टाटा ने लॉन्च कर दी अपनी नई कर्व एसयूवी कूपे, अगर आप उस गाड़ी को लेने का सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। वेलकम टू कार देखो, और इस वीडियो में हम टाटा कर्व के सभी वेरिएंट्स पर चर्चा करेंगे, उनमें क्या फीचर्स आते हैं, क्या इंजन ऑप्शंस हैं और क्या वो वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा या नहीं, सब डिस्कस होगा इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट और शुरुआत करते हैं इसके कलर ऑप्शन से। टाटा कर्व के साथ आपको 6 सिंगल टोन कलर का ऑप्शंस मिलता है। बेस रेंज में सिर्फ 2 ही सोबर ऑप्शंस हैं, व्हाइट एंड ग्रे। इसके प्यो प्लस, प्यो प्लस एस, क्रिएटिव एंड क्रिएटिव एस वेरिएंट्स में उन दोनों कलर्स के अलावा आपको ब्लू और रेड कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। मूविंग ऑन, क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट्स में भी सेम ही ऑप्शंस है, बस डेटोना ग्रे के जगह आपको प्योर ग्रे कलर का ऑप्शन मिलता है। अकॉम्प्लिश एस के कलर ऑप्शंस क्रिएटिव प्लस एस जैसे ही हैं, बट उसमें एक एक्सक्लूसिव गोल्ड शेड ऑप्शन मिलता है जो उसके टॉप स्पेक अकॉम्प्लिश ए में नहीं मिलता। ड्यूल टोन शेड्स आपको क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट्स ऑनवर्ड्स मिल जाएंगे। चलिए अब कर्व के पावरट्रेन ऑप्शंस पे नजर डाल लेते हैं। कर्व के साथ टाटा नेक्सॉन वाले 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ एक नया 1.2 लीटर हाइपीरियन टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर कर रहा है, जो नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावरफुल है। अब आपको तीनों ही इंजन के साथ एक 6 स्पीड मैनुअल और एक 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। ऑफकोर्स सभी इंजन सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है, और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंडिविजुअल वेरिएंट के डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्व के बेस स्मार्ट वेरिएंट से। कर्व के बेस वेरिएंट में आपको नेक्सॉन वाला टर्बो पेट्रोल एंड डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, बट ओनली विद द मैनुअल ट्रांसमिशन। अब डिजाइन की बात करें तो बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल्स एंड एलईडी हेड एंड टेल लाइट्स मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स उनमें वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन नहीं है, ना ही सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स हैं, और जिसकी टेल लाइट्स हैं वो भी कनेक्टेड नहीं है, बट इसका सेटअप तब भी देखने में प्रीमियम जरूर लगता है। साइड में आपको फ्लश डोर हैंडल्स एंड 16 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, और पीछे से इसका रूफ माउंटेड रियर स्पॉइलर के लुक को कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे किसी चीज की कमी महसूस होती है तो वह है स्टाइल्ड व्हील्स। उसके अलावा इसका डिजाइन मोर और लेस टॉप स्पेक वेरिएंट जैसा ही लगता है। कैबिन के अंदर कर्व के बेस स्मार्ट वेरिएंट से आपको एक ड्यूल टोन थीम मिल जाती है, जिसमें कि ग्रे एंड ब्लैक शेड्स का यूज हुआ है, और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो नेक्सॉन वाला ही है विद द बैकलिट टाटा लोगो। यहाँ पे कोई फ्रंट या सेंट्रल आर्मरेस्ट मौजूद नहीं है, बट हाँ रियर सीट्स के लिए 100% फ्लिप एंड फोल्ड का ऑप्शन दिया गया है फॉर एडिशनल बूट स्पेस। ड्राइवर के लिए इस वेरिएंट से ही आपको एक मैनुअल सीट हाइट एडजस्ट मिल जाता है विद द टिल्ट एडजस्ट फॉर द स्टीयरिंग व्हील। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मैनुअल एसी है, ऑल फॉर पावर विंडोज एंड एक एंटी ग्लेयर IRVM भी मौजूद है। अब यहाँ पे कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम तो नहीं है, बट ड्राइवर को एक 4 इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके कंट्रोल इसके स्टीयरिंग पे ही मौजूद है। सेफ्टी की बात करें तो इस बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स माउंट्स एंड 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स मिल जाते हैं। एक बेस वेरिएंट के हिसाब से कर्व स्मार्ट भी एकदम बेसिक ही है। आपको दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन तो मिलते हैं, बट ओनली विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। इधर एक इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड स्पीकर्स की कमी महसूस होती है, एंड अगर आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च करके उनको अलग से लगवाने का प्लान कर रहे थे तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपना बजट थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लें, क्योंकि इसका नेक्स्ट वेरिएंट आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देगा और आपको कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। वन अबव बेस प्यो प्लस वेरिएंट के साथ आपको सेम ही बेस पैक वाले पेट्रोल एंड डीजल इंजन मिल जाते हैं, बट विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बेस वेरिएंट से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। डिजाइन वाइज यहाँ पे सिर्फ 2 एडिशंस हैं, शार्क फिन एंटेना एंड ड्यूल टोन व्हील कवर्स। अब चाहे एक्सटीरियर के एडिशंस बहुत ज़्यादा ना हो, ये चेंजेस इसके स्टाइलिंग को एनहांस जरूर करते हैं, एंड इस वेरिएंट के आपको मोस्टली सारे चेंजेस इसके कैबिन के अंदर देखने को मिलेंगे। इंटीरियर का थीम तो सेम ही है, बट इसका स्टीयरिंग व्हील बदल गया है। अब हैरियर जैसा यहाँ पे आपको एक 4-spoke स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, अगेन विद अ बैकलिट टाटा लोगो। यहाँ पर टाटा ने एक फ्रंट आर्मरेस्ट भी ऐड कर दिया है, एंड चार्जिंग के लिए आपको USB-A एंड USB Type-C के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका ओवरऑल कैबिन बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज़्यादा प्रीमियम एंड भरा हुआ लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं और उनके ऊपर एक 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है। इसमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, एंड ये सिस्टम एक 4 स्पीकर साउंड सिस्टम से कनेक्टेड है, जिसके कंट्रोल्स आपको इसके स्टीयरिंग पे मिल जाएंगे। एडिशनली यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs, क्रूज कंट्रोल एंड वॉइस कमांड जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। सेफ्टी भी इंप्रूव हुई है यहाँ, क्योंकि इस वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको एक रिवर्सिंग पार्किंग कैमरा एंड एक टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम मिल जाता है। देखा
देखा जाए तो ये कर्व का एक नो कॉम्प्रोमाइज बेस वेरिएंट माना जा सकता है। इसमें आपको दोनों पेट्रोल एंड डीजल इंजन के साथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं अलॉन्ग विद अ कंप्लीट कैबिन पैकेज, जिसमें आपको आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका बेस वेरिएंट के ऊपर 1,00,000 का प्रीमियम मोर देन जस्टिफाइड है। एंड अगर आपको एक टाइट बजट पे एक बेसिक गाड़ी चाहिए थी विद ऑल द राइट फीचर्स, देन आप इस वेरिएंट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, ये प्रो प्लस का एक एक्सटेंडेड वेरिएंट है। इसमें पेट्रोल एंड डीजल इंजन के लिए आपको दोनों के साथ 70,000 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बाहर से ये प्यो प्लस का जुड़वा भाई लगता है, बस इसके जूते थोड़े बड़े हो गए हैं, यानी इसके टायर जो हैं वो अब 17 इंच के स्टील व्हील्स पे बैठते हैं, जिनको कवर भी दिए गए हैं। अंदर से इसके डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है, बट इसका कैबिन अब आपको एक और एयरी फील देगा थैंक्स टू द एडिशन ऑफ अ पैनोरामिक सनरूफ। उसके साथ आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट के एडिशन यहीं तक सीमित हैं। अनटिल एंड अनलेस आपके लिए पैनोरामिक सनरूफ नॉन नेगोशिएबल नहीं है, हम सजेस्ट करेंगे कि आप ये वेरिएंट स्किप कर दें, क्योंकि इसके मोस्ट एडिशन फील गुड हैं, मस्ट हैव नहीं है। एंड अगर आप अपना थोड़ा बजट बढ़ा ही सकते हैं तो इसका नेक्स्ट वेरिएंट आपको एक बेहतर ओवरऑल एक्सपीरियंस देगा विद मोर रेलेवेंट डे टू डे फीचर्स। डीजल ऑटोमेटिक को छोड़ के इस वेरिएंट के सारे पावर ट्रेन ऑप्शन प्यो प्लस जैसे ही हैं। यहाँ पे आपको दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ 50,000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर प्यो प्लस एस वेरिएंट से इसके एक्सटीरियर एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आपको बाय फंक्शनल फुल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बट अभी भी कोई फॉग लैम्प नहीं मौजूद है। यहाँ पे इसके व्हील का साइज 17 इंच हो गया है एंड ये प्रॉपर अलॉयज हैं विद एरो इंसर्ट्स, जो कि दिखने में बेहतर लगते हैं। इस वेरिएंट के एक्सटीरियर के अपील को बढ़ाने के लिए टाटा यहाँ पे कनेक्टेड LED टेललाइट्स भी दे सकता था, जिसके बाद इसका ओवरऑल लुक मोर और लेस टॉप वेरिएंट्स जैसा ही हो जाता। अंदर से इस क्रिएटिव वेरिएंट का थीम तो अभी भी सेम ही है, बट अपने मटेरियल्स एंड फीचर्स के साथ पहले वाले वेरिएंट से ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें आपको लेदर मिल जाएगा स्टीयरिंग पे एंड दोनों ही ड्राइवर एंड पैसेंजर्स को हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलती हैं, बट हाँ रियर पैसेंजर्स के लिए अभी भी कोई सेंट्रल आर्मरेस्ट मौजूद नहीं है। इधर नए फंक्शनल फीचर्स भी ऐड करे गए हैं, जैसे कि ऑटो AC, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एक कूल ग्लव बॉक्स, और उसके साथ आपको कुछ नए फील गुड फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और उसके साथ एक HP का साउंड सिस्टम। इसके इंफोटेनमेंट में अब आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, तो फोन कनेक्ट करने के लिए अब आपको वायर नहीं लगाना पड़ेगा, और एडिशनली इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी भी है, और इसकी सेफ्टी किट में सिर्फ एक एडिशन है, रियर डिफॉगर। देखा जाए तो क्रिएटिव एक बेहतरीन मिड स्पेक वेरिएंट है। इसमें किसी मस्ट हैव फीचर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मिस नहीं है, एंड इनफैक्ट ये कुछ फील गुड फीचर्स भी ऑफर करता है। इसका 50,000 का प्रीमियम ओवर द प्योर प्लस एस एंड 1.2 लाख का प्रीमियम ओवर द प्योर प्लस दोनों ही जस्टिफाइड है। कोई चीज़ की कमी महसूस होती है तो वो है सनरूफ एंड पावर ट्रेन में डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन, एंड इन दोनों चीज़ों के लिए आपको इसके अगले वेरिएंट पे स्ट्रेच करना पड़ेगा। क्रिएटिव एस कर्व के नए 125 PS टर्बो पेट्रोल इंजन का एंट्री लेवल वेरिएंट है। इसके साथ आपको सारे पेट्रोल एंड डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाएंगे विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बट हाँ जो नया टर्बो पेट्रोल इंजन है वो सिर्फ मैनुअल के साथ ही अवेलेबल है। अब हम प्रीमियम की बात करें तो क्रिएटिव के ऊपर आपको दोनों पेट्रोल एंड डीजल इंजन के साथ 50,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, और ये जो नया 125 PS टर्बो पेट्रोल इंजन है वो इसके पुराने नेक्सॉन सोर्स 120 PS इंजन से आपको 1.3 लाख रुपीज़ ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जस्ट लाइक द प्यो प्लस एस वेरिएंट, इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 3 एडिशन मिलेंगे, पैनोरामिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प्स। बाकी के सारे फीचर्स एंड डिजाइन इसके बेस क्रिएटिव वेरिएंट जैसा ही है। इस वेरिएंट के 50,000 रुपये के प्रीमियम को इसके 3 फीचर एडिशन्स के लिए जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। इस वेरिएंट को आप तभी कंसीडर करिए जब आपको एक टाइट बजट पे इसका नया टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए, वरना वी वुड सजेस्ट कीप दिस वेरिएंट अगर आपको और प्रीमियम लुक्स एंड एक कैबिन फील चाहिए। एंड अगर आप इन फीचर्स से खुश हैं और आपको वो नया टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं चाहिए, देन इसका बेस क्रिएटिव वेरिएंट आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगा। कर्व के क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट के साथ आपको उसके सारे इंजन एंड सारे गेयरबॉक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड क्रिएटिव एस वेरिएंट के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको दोनों पेट्रोल एंड डीजल इंजन के लिए 1,00,000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सटीरियर की बात करें तो कई नए एडिशन जो है, एंड सबसे ऑब्वियस एडिशन है इसका ड्यूल टोन पेंट स्कीम, जो कि इसके प्रीमियम लाइटिंग सेटअप को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको LED फॉग लैम्प्स मिल जाती हैं विद कॉर्नरिंग फंक्शन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। इधर एक फ्रंट सेंटर पोस्टिंग लैम्प भी ऐड हुआ है, एंड साइड में अब आपको प्रॉपर 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। पीछे से इसकी LED टेललाइट्स अब फाइनली कनेक्टेड है, जो कि इसके लुक को कंप्लीट कर देती हैं। विजुअली यहाँ पे आप कोई मिस नहीं है सिवाय वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन के, बट वो चीज़ आपको सिर्फ गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने पे मिलेगी, तो इट इजंट एन एक्चुअल मिस।
हर वेरिएंट अपडेट के साथ टाटा कर्व का कैबिन और प्रीमियम हो जाता है, और इस वेरिएंट के साथ भी कहानी सेम ही है। आपको अभी भी एक ड्यूल टोन थीम मिलती है, बट यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू शेड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसके सोबर ब्लैक एंड ग्रे शेड से दिखने में बेहतर लगती है। एंड यहाँ पे एडिशनल प्रीमियम टच ऐड करती है इसकी एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर इंसर्ट्स ऑन डैशबोर्ड एंड डोर पैच, एंड इसका लेदर रैप गियर सेलेक्टर। कैबिन के डिजाइन को एक कॉन्ट्रास्ट लुक देने के लिए इसके डोर हैंडल पे क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं, एंड रियर पैसेंजर्स को फाइनली अब एक सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है विद टू कप होल्डर्स। फॉर मोर कन्वीनियंस आपको इसके बूट में अब एक लैंप भी मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो आपको वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर साइड पावर विंडो के साथ एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा ड्राइवर के लिए भी 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। ऑडियो क्वालिटी को और प्रीमियम बनाने के लिए इसके स्पीकर्स को हार्मन की ट्यूनिंग दी गई है। यहाँ सिर्फ फीचर एडिशन्स नहीं हुए हैं बट सेफ्टी किट में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि अब आपको एक 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड एक प्रॉपर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। इस वेरिएंट के सारे फीचर एडिशन इसके प्रीमियम को जस्टिफाई तो जरूर करते हैं, बट अगर टाटा यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिमिंग आईआर वीएम एंड वायरलेस फोन चार्जिंग भी ऑफर कर देता तो इस वेरिएंट में ऐसा कुछ नहीं रह जाता जिसके ना होने से आपकी डे टू डे लाइफ में फर्क पड़ेगा। अगर आपको ये तीन और कुछ और फील गुड फीचर्स चाहिए तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपना बजट थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लें एंड इसका नेक्स्ट वेरिएंट चेकआउट कर लें। बट अगर आप अपना बजट स्ट्रेच नहीं कर सकते तो इस क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट के सारे पावर ट्रेन ऑप्शंस एंड फीचर्स आपके लिए एक सेंसिबल चॉइस रहेगी। अकॉम्प्लिश एस में आपको कर्व के सारे ही पावर ट्रेन ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड क्रिएटिव प्लस एस के कंपैरिजन में सारे पावर ट्रेन के साथ आपको 1,00,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा। अब इसके एक्सटीरियर में कोई भी एडिशन नहीं है, एंड सारे चेंजेस आपको इसके कैबिन के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे क्वालिटी वाइज आपको कर्व का सबसे प्रीमियम रूप देखने को मिलेगा। थीम फिर से चेंज कर दी गई है, एंड अब आपको एक बर्गंडी एंड ब्लैक शेड का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि इसके बाकी वेरिएंट से डिफरेंट है, हटकर है। एंड अब डैशबोर्ड के इंसर्ट्स के अलावा आपको इसके सीट्स और सेंट्रल आर्मरेस्ट पे भी लेदरेट मटेरियल मिल जाता है। बूट की स्टोरेज कन्वीनियंस भी इंप्रूव हुई है, क्योंकि इसके रियर सीट्स में अब आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है, और उसमें अब एक रिक्लाइन का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो वो इस वेरिएंट का हाईलाइट है। यहाँ पे आपको 6-way पावर एडजस्टेबल एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, एयर प्यूरीफायर विद डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग एंड पैनोरामिक सनरूफ पे एम्बिएंट लाइटिंग ऐड कर दी गई है। एडिशनली यहाँ पे एक 9 स्पीकर JBL ट्यून साउंड सिस्टम भी मौजूद है। इसके नए 125 PS टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के साथ इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड एंड रियर डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाती हैं। देखा जाए तो इस वेरिएंट के सारे फीचर एडिशंस फील गुड ही हैं। हाँ, इनके होने से आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर तो होगा, बट उनके ना होने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इन एडिशंस के बावजूद भी इसमें ऑटो डिमिंग आई आर वी एम जैसा इंपॉर्टेंट फंक्शनल फीचर और कनेक्टेड कार टेक की सुविधा नहीं मिलती, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़े से पैसे बचा के क्रिएटिव प्लस एस वेरियंट के लिए सेटल कर जाए, अनटिल एंड अनलेस आपके लिए ये फील गुड फीचर्स नॉन नेगोशिएबल है। कर्व के टॉप स्पेक वेरिएंट में आपको इसका बेस 120 पीएस वाला टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पिछले वेरिएंट से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपीज का प्रीमियम देना पड़ेगा फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स। विजुअली इस वेरिएंट के एक्सटीरियर में कोई एडिशन नहीं है, बट इसकी लाइटिंग सेटअप में अब आपको वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन मिल जाती है, जो आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा इसके सारे एडिशन इसके फीचर एंड सेफ्टी किट में देखने को मिलेंगे। फाइनली टाटा ने इस वेरिएंट में ऑटो डिमिंग IRVM ऐड कर दिया है, बट इसका सबसे बड़ा एडिशन लिटरली है इसका 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आपको कर्व EV में भी देखने को मिलता है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको कनेक्टेड कार्टेक एंड एलेक्सा वॉइस कमांड्स भी मिल जाते हैं, एंड दिल्ली जैसी शहरों के तड़पती गर्मी को फाइट करने के लिए इसके AC में एक एक्सप्रेस कूलिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। अब इसके जो ADAS फीचर्स हैं उनमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लेन कीप वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड हाई बीम असिस्ट। ऑटो IRVM के अलावा ये वेरिएंट आपको कोई ऐसा रियल फंक्शनल फीचर ऑफर नहीं करता है। इसका बड़ा स्क्रीन, वॉइस कमांड्स एंड ADAS मस्ट हैव फीचर्स नहीं है, बट अगर आपको कैबिन के फीचर्स एंड प्रीमियमनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए एंड आपके वेल मार्क्ड एक्सप्रेस वेज पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा होने वाला है एंड वहाँ पे आपको ADAS फीचर्स का एडेड सेफ्टी नेट चाहिए, देन आप इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लोडेड कर्व का वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब कर्व के वेरिएंट वाइज वर्डिक्ट्स को चेकआउट कर लेते हैं। होपफुली इस वीडियो ने आपके बाइंग डिसीजन को थोड़ा और आसान बना दिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिए एंड हम आपके सवालों का जवाब लेकर जल्द से जल्द आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।